आप लोगों ने जैसे ये पोस्टर देखा होगा, जैसे आपने विषय पढ़ा होगा, आप सभी को भी लगा होगा पता नहीं कि कैसे कैसे ये क्या क्या चीजों की चर्चा हो रही है, कहीं ये ग्रहित मिथ्या तो जैसी कोई बात तो नहीं है। जैन दर्शन तो नियतिवादी दर्शन है, जैन दर्शन तो क्रमबद्ध पर्याय की बात करता है, जैन दर्शन तो पांच समवाय की बात करता है, तो फिर ये जैन दर्शन के अंदर भी क्या कोई जादू नाम की चीज हो सकती है? ये बात हमें कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आती है। तो क्या जैन दर्शन में कोई जादू है, कोई चमत्कार है? क्या जैन दर्शन के अंदर कोई रिद्धियां हैं? क्या ऐसी कोई मैजिक पावर जैन दर्शन के अंदर होती है? इन सभी बिंदुओं को लेकर के अपनी चर्चा आने वाले 10 दिनों के अंदर करेंगे। बहुत ही एक कमाल का विषय मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ, जिसे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, आप जिसे पढ़ते तो प्रतिदिन हैं लेकिन उसकी ओर आप ध्यान कभी नहीं रखते हैं। 64 रिद्धि, ये जैन दर्शन का एक ऐसा जादू है, एक जैन दर्शन का ऐसा कमाल है जिसके संबंध में हम सभी पढ़ते प्रतिदिन हैं किंतु उसके बारे में जानते कुछ भी नहीं है। आप लोगों को याद होगा, प्रतिदिन पूजन करते हैं, आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं और ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप एक पाठ पढ़ते हैं जिस पाठ का नाम है स्वस्ति परमर्षि मंगल पाठ। याद है कि नहीं सभी को? स्वस्ति परमर्षि मंगल पाठ आप सभी लोग पढ़ते हैं। संस्कृत के अंदर उसकी प्रारंभिक पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, यदि आपको याद हो, नित्य प्रकम्पात भूत कैवलोघा स्फुरन मनः पर्याय शब्दकोशा दिव्यावाची ज्ञान। जी हाँ, इसी तरह की कुछ पंक्तियां हम सभी प्रतिदिन पूजन के अंदर पढ़ते हैं और वहां पर जानते हैं ये किस प्रकार की चर्चा वहां पर होती है, लेकिन हमने कभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हाथ के अंदर पुष्प ले लेते हैं और जैसे स्वस्ति क्रियासु परमर्श होना ये पंक्ति आती है और बार बार हाथ में से कुछ बहुत ही कमाल की पूजन करती है, लेकिन वाकई में ये भगवान का अर्थ नहीं होता है। जिनेंद्र दिल की पूजन का सच्चा अर्थ क्या है? यदि आपने जैन दर्शन को थोड़ा सा भी एक पहले चरण पर जाकर के सीखा हो तो जैन दर्शन होता है भगवान के गुणों के प्रति अनुराग का, वो भगवान की भक्ति कहलाती है, वो भगवान की पूजन कहलाती है। चावल को एक थाली से और दूसरी थाली के अंदर पलट देने का नाम वो कोई जैन दर्शन में भगवान की पूजन नहीं कहलाती है। अरे ये काम तो हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, जिन बच्चों को कुछ नहीं पता, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, ऐसे 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी मंदिर में जाकर के और द्रव्य की थाली में से एक थाली से दूसरी थाली के अंदर द्रव्य को यहाँ कर देते हैं, लेकिन ये कोई जैन दर्शन के भगवान की पूजन नहीं होती है। वाकई पूजन का अर्थ क्या है? यदि आपको पता हो, पंक्ति के अंदर हम प्रतिदिन पढ़ते हैं स्वस्ति क्रिया सुपरमर्श योना, ये किस ऋषि की बात चल रही है? यहाँ पर हम परमर्षि शब्द पढ़ते हैं, परमर्षि स्वस्ति क्रियासु परमर्ष योना, ये कैसे ऋषि की चर्चा चल रही है इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ये पता नहीं ऐसे कौन से ऋषि हैं, ऐसे कौन से मुनि हैं, ऐसे कौन से साधु हैं, ऐसे कौन से भगवान हैं जिनके संबंध में ये सारी की सारी चर्चा है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन घबराइए मत, आने वाले 10 दिन आप सभी के साथ में यही चर्चा होने जा रही है कि जैन दर्शन के अंदर कैसे ऋषि होते हैं, क्या जैन दर्शन के अंदर भी कोई चमत्कारिक साधु हैं, क्या जैन दर्शन के अंदर भी कोई जादूगर नाम के व्यक्ति होते हैं और वो जादूगर कौन हैं, कैसे जादूगर बनते हैं, क्या हम भी जादूगर बन सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जादूगर बनने से कोई महान हो जाता है? ये हमारे विषय को लेकर के हमारी मुख्य चर्चा रहेगी। मैं आपके सामने इस विषय को शुरू कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट मैं शेयर करूंगा, उसको आप सभी देखते जाएं और अपने विषय को आगे आगे पढ़ते जाएं कि जैन दर्शन के अंदर हम किस चमत्कार की चर्चा कर रहे हैं, जादू की चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी कहिए भैया, ये बोल रही थी जो ये हम जी, मुझे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी चलिए, अपन रिद्धियों को लेकर के अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, जैन दर्शन के जादू के अंदर कोई काले जादू की चर्चा नहीं है, जैन दर्शन के जादू के अंदर कोई तंत्र मंत्र यंत्र की चर्चा नहीं है, जैन दर्शन वो चर्चा नहीं करता जिसके अंदर आप किसी दूसरे को मोहित कर ले। हम उस जादू की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिस जादू से आपका कोरोना नाम का रोग दूर भग जाएगा, हम उस जादू की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिससे आप किसी को अपने वश में कर लेंगे, हम उस जादू की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं जो आप आते जाते प्रतिदिन बस के अंदर ट्रेन के अंदर पर्चे लगे हुए देखते होंगे कि फला फला बाबा के पास आएंगे तो आपको वशीकरण नाम का एक मंत्र दे दिया जाएगा, आप सबको अपने वश में कर सकते होंगे। ऐसे किसी भी प्रकार के जादू की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम किसी अन्य ही जादू की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। वो जादू कैसा होता है,
उस जादू का स्वरूप क्या है ये जानने के लिए आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए। देखिए आपके साथ में एक पेज शेयर किया गया है, उस पेज पर लिखा हुआ है जैन दर्शन का जादू। जैन दर्शन का जादू इस विषय की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए जैन दर्शन के जादू के अंदर टीवी में नहीं आई। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं। हाँ जी देखिए आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं रिद्धि किसे कहते हैं, जैन दर्शन का जादू क्या है। हाँ जी अभी आवाज आएगी, जो लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही अभी ध्यान से सुने, अभी आप सभी को आवाज आएगी। देखिए रिद्धि किसे कहते हैं, रिद्धि क्या है, चमत्कार क्या है, जैन दर्शन का जादू क्या है, ये रिद्धियां किसे उत्पन्न होती है, ये दबाना है अगर बोले तो। यहाँ पर रिद्धियों की चर्चा है। देखिए रिद्धियों के संबंध में एक बहुत ही अच्छी परिभाषा यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रही है। तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें हम रिद्धि कहते हैं। वापस से ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिन्हें अपन रिद्धि कहते हैं। इसके माध्यम से क्या बात बताना चाह रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात इसके अंदर बताया कि जैन दर्शन के जादूगर हम और आप जैसे सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते। जैन दर्शन के जादूगर जैन दर्शन के मुनिराज होते हैं, जैन दर्शन के संत होते हैं, जैन दर्शन के महातपस्वी मुनिराजों की चर्चा यहाँ पर जैन दर्शन के जादूगर के संबंध में की जा रही है। देखिए कदाचित एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है और दूसरा शब्द लिखा हुआ है योगी जनों को। योगी जन मतलब मुनिराज, योगी जन का अर्थ अन्य कोई ऐसे सामान्य श्रावक हम और आप जैसे नहीं है, योगी जन का अर्थ होता है मुनिराजों को। ये रिद्धियां किसे प्राप्त होती हैं, ये रिद्धियां मुनिराजों को प्राप्त होती हैं। सबसे पहली बात आपको एक चीज देखनी है, ये जादू की शक्ति किसको प्राप्त होती है, तो ये जादू की शक्ति मुनिराजों को प्राप्त होती है, हर किसी को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो बोले हमेशा हो जाती है क्या, ये रिद्धियां जब चाहे तब प्राप्त हो जाएंगी क्या, बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कदाचित प्राप्त होती हैं, ये हमेशा प्राप्त नहीं होती। ये रिद्धियां सभी मुनिराजों को प्राप्त नहीं होती। एक और शब्द लिखा हुआ है देखिए, किन्हीं किन्हीं मतलब कुछ कुछ मुनिराजों को ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी मुनिराजों को ये रिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। बराबर देखिए, तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें अपन रिद्धि कहते हैं, और उन रिद्धियों की चर्चा अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। आपको एक बिंदु यहाँ पर बहुत अच्छा याद रखना है कि आप रिद्धियों के पीछे नहीं भागें, रिद्धियां आपको उनके पीछे भागने से प्राप्त नहीं होंगी, ये रिद्धियां तो तपश्चरण के प्रभाव से प्राप्त होंगी। और ये दूसरी बात, तपश्चरण के प्रभाव से हमेशा रिद्धियां प्राप्त हो जाएं ऐसा भी नहीं है, ये रिद्धियां कदाचित प्राप्त होती हैं, ये रिद्धियां हमेशा और सभी को प्राप्त नहीं हो जाती हैं, ये कुछ ही जीवों को कुछ ही मुनिराजों को ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं, और उन मुनिराजों की चर्चा उन रिद्धियों की चर्चा अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए एक और उसके बाद में दो पंक्तियां लिखी हुई हैं, कषाय की मंदता और विशेष पुण्य का बंद होने से, आप सभी देख पा रहे हैं कषाय की मंदता और विशेष पुण्य का बंद होने से
पुण्य भी विशेष रूप से जब उदय में आता है, जिसे शक्ति की विशेषता अथवा चमत्कार अपन कह सकते हैं, और उसका नाम यहाँ पर रिद्धि कहा गया है। देखिए कैसे प्राप्त होगी। कोरोना का संकट है, हम बहुत अधिक क्रोध करें कि सरकार हमें बाहर क्यों नहीं आने दे रही है, हम बहुत अधिक क्रोध करें कि कैसा लॉकडाउन कर दिया है, हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हम बहुत अधिक क्रोध करें कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं और हमकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो बोले बहुत अधिक कषाय से ये रिद्धियां कभी प्राप्त नहीं होती। ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं कषाय की मंदता से। मंद कषाय जब आपकी होगी तब जाकर के रिद्धियां प्राप्त होती हैं। दूसरी बात, विशेष पुण्य का बंद होना चाहिए। ये रिद्धियां ऐसी सामान्य तरीके से प्राप्त नहीं होती हैं। ये रिद्धियों की प्राप्ति के लिए हमारे पास में विशेष पुण्य का उदय होना बहुत अधिक आवश्यक है। भैया विशेष पुण्य चाहिए, विशेष पुण्य चाहिए कि स्वानुभव होगा जब माने रिद्धि प्राप्त होगी। ये सारी चर्चा आएगी, सारी चर्चाएं आएंगी, आप सुनते रहे, सारी की सारी चर्चाएं आएंगी, एक भी बिंदु आपका नहीं छूटेगा। अभी अपनी क्लास शुरू ही हुई है, आप सुनते जाएं और सारी की सारी चीजें समझते जाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कषाय की मंदता और विशेष पुण्य का बंद होने से जब ये पुण्य विशेष रूप से उदय में आता है तब एक शक्ति प्रकट होती है, और शक्ति का नाम, उस शक्ति को अपन रिद्धि कहते हैं। यहाँ पर दो शर्तें बताई गई हैं। पहली शर्त है कषाय की मंदता, मतलब मंद कषाय होना चाहिए, और दूसरा कि जब मंद कषाय होती है तब विशेष पुण्य का बंद होता है, और जब विशेष पुण्य का बंद होता है और जब वह विशेष पुण्य कभी उदय में आता है तब जाकर के हमें कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रकट होती हैं, और जब कुछ विशिष्ट शक्तियां हमें प्रकट होती हैं तब उन विशिष्ट शक्ति को अपन रिद्धि कहते हैं, उन्हें अपन चमत्कार कहते हैं। इस तरह की रिद्धि की चर्चा है, एक बहुत कमाल का विषय आप सभी के सामने यहाँ पर है। देखिए आपको लग रहा होगा हमने तो आज तक जैन दर्शन के अंदर यही सुना है कि बिना स्वानुभव के कुछ नहीं होता, हमने तो आज तक जैन दर्शन के अंदर यही सीखा है कि बिना सम्यक दर्शन के कुछ नहीं होता। आपने जो सीखा है बिल्कुल सही सीखा है, यहाँ पर भी उसी संबंध में चर्चा की जा रही है। जी हाँ, जिन लोगों ने अपने माइक चालू करके रखे हैं वे अपने माइक को ऑफ कर ले। हाँ जी देखिए, सुनिए ध्यान से सुने। हाँ जी सुनिए ध्यान से, मेरा सभी से पुनः निवेदन है अपने माइक को सभी ऑफ करके रखें, कोई भी व्यक्ति अपना माइक चालू ना करे, क्लास के अंदर डिस्टरबेंस होता है, सभी अपना माइक बंद करके रखें। देखिए जिस किसी का भी ये माइक चालू है कृपया अपना माइक ऑफ करके रखें, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कृपया माइक अपना चालू ना करें। जी हाँ सुनिए, यहाँ पर जो रिद्धियों की प्राप्ति होती है वो रिद्धियां भी किस तरह से प्राप्त होंगी। अभी तो हमने बात की कि विशेष पुण्य के उदय से प्राप्त होंगी, अभी हमने बात की कि तपश्चरण के प्रभाव से प्राप्त होंगी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही कमाल का बिंदु आपको याद रखना है कि ये रिद्धियां योगी जनों को प्राप्त होती हैं। योगी जनों को प्राप्त होती हैं, इसका मतलब ये है कि ये रिद्धियां सच्चे मुनिराजों को ही प्राप्त होती हैं, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती। अभी एक प्रश्न आया था कि हमने तो सुना है कि स्वानुभव के बिना और कोई कार्य नहीं होता, स्वानुभव से ये सारा का सारा विशेष पुण्य बनता है, तो ये स्वानुभव की चर्चा तो आपने की नहीं। स्वानुभव की चर्चा इसके अंदर गर्भित है। मुनिराज बनने का मतलब है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ऐसी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जब होता है तभी कोई व्यक्ति मुनि कहलाता है, साधु कहलाता है, योगी कहलाता है, ऋषि कहलाता है, और स्वानुभव के बल से ही विशेष पुण्य का बंद होता है, विशेष कषायों की मंदता होती है, और उसी के प्रभाव से कुछ हमें शक्तियां प्रकट होती हैं, कुछ चमत्कार एक पुद्गल का दिखाई देता है और उसको अपन यहाँ पर रिद्धि कहते हैं। ऐसी ये रिद्धियों की चर्चा, ऐसा ये जैन दर्शन का जादू यहाँ पर हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए आगे क्या विषय आ रहा है। रिद्धि शब्द कैसे बना है, रिद्धि का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग क्या है। देखिए संस्कृत, यदि आपने संस्कृत भाषा का नाम कभी सुना हो तो संस्कृत के माध्यम से देखें तो ऋष गतौ धातु, एक ऋष नाम की धातु है, ऋष गतौ धातु, उससे रिद्धि शब्द बनता है। रिद्धि का मतलब होता है प्राप्ति का होना, रिद्धि का मतलब होता है चमत्कार का होना, रिद्धि का मतलब होता है विशेष लाभ का होना, इसे अपन रिद्धि कहते हैं।
यदि इंग्लिश के अंदर देखें तो फॉर्चून को अपन रिद्धि कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को अपन रिद्धि कहते हैं, सुपर नेचुरल पावर को अपन रिद्धि कहते हैं। देखिए ये शब्द भी बहुत कमाल के हैं। रिद्धि का मतलब प्राप्ति है, रिद्धि का मतलब ये नहीं है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, रिद्धि मतलब जो सहज रूप से आपको प्राप्त हो जाए। वापस से बोलता हूं, आप रिद्धि के पीछे नहीं भागे, रिद्धि आपके पीछे भागे, ऐसा ये जैन दर्शन का जादू है। फिर से बोल रहा हूं, जैन दर्शन के जादू में किसी को जादू सीखने जाना नहीं पड़ता है, बल्कि जादू अपने आप उस व्यक्ति के पास में आता है जिसकी कषाय मंद होती है, जिसका तप विशेष होता है, जो स्वानुभव के बल से प्रति समय भेद विज्ञान करता है, उसके पास में ये रिद्धियां, ये शक्तियां, ये चमत्कार अपने आप दौड़ दौड़ करके आता है। देखिए प्राप्ति इस रिद्धि शब्द का अर्थ है, चमत्कार इस रिद्धि शब्द का अर्थ है, विशेष लाभ इस रिद्धि शब्द का अर्थ है। और ये रिद्धि का अर्थ चमत्कार कैसे हो सकता है, हम सभी के मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि हम रिद्धि को चमत्कार कैसे कह सकते हैं, ये रिद्धि के अंदर भी क्या भला कोई चमत्कार होता है। जी हाँ, तो रिद्धि के अंदर भी क्या कोई चमत्कार नाम की चीज होती है। देखिए कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर खड़े किए, आपको चार प्रश्न अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। रिद्धि का अर्थ चमत्कार कैसे है, क्या जैन दर्शन भी चमत्कार को स्वीकार करता है, क्या जैन दर्शन के अंदर भी कोई जादू माना गया है, कहीं ये सब ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, जब भी हम कभी कहते हैं कि जैन दर्शन के अंदर जादू होता है, हम तुरंत बोलते हैं नहीं, जैन दर्शन में कोई जादू नहीं होता, ये तो सब ग्रहित मिथ्यात्व की बात है, हमने यहाँ पर आकर के कुछ नया ग्रहण कर लिया है, कोई काला जादू कर रहा होगा, कोई हमें पागल बना रहा होगा, बोले जैन दर्शन के अंदर किसी प्रकार का जादू नहीं होता। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ कि विश्व का यदि सबसे बड़ा जादू किसी दर्शन के अंदर होता है तो वो एकमात्र जैन दर्शन के अंदर होता है। जैन दर्शन से बड़ा जादू पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जैन दर्शन के सबसे बड़े जादूगर केवल ज्ञानी हैं, अरिहंत और सिद्ध परमात्मा ये जैन दर्शन के सबसे बड़े जादूगर हैं। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस ब्रांच के अंदर बहुत सारे अन्य जादूगर होते हैं जिन्हें अपन मुनिराज कहते हैं, जिन्हें अपन ऋषि कहते हैं, उनकी चर्चा अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए अभी ध्यान से, स्क्रीन के साथ में कोई कुछ ना करे, मैं वापस से आप सभी से कह रहा हूँ, स्क्रीन के साथ में कोई कुछ भी ना करे। हाँ जी, देखिए वापस, रिद्धि का अर्थ चमत्कार कैसे है, ये प्रश्न जो हमने खड़ा किया था उसके उत्तर स्वरूप मैं आपको उसका उत्तर बता रहा हूँ कि रिद्धि का जो अर्थ है वो चमत्कार कैसे संभव है। हाँ देखिए यहाँ पर, रिद्धि का अर्थ चमत्कार कैसे हो सकता है, चमत्कार का अर्थ सिर्फ काला जादू नहीं होता, चमत्कार तो चैतन्य का भी होता है, तो क्या वो कोई चैतन्य का काला जादू हो जाएगा। आपने कभी चैतन्य के चमत्कार की बात सुनी है कि नहीं सुनी, कि चैतन्य का भी कोई चमत्कार संभव है। चैतन्य के चमत्कार का मतलब क्या है, चैतन्य के चमत्कार का मतलब है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हो जाना, चैतन्य के चमत्कार का मतलब है भेद विज्ञान की प्राप्ति का हो जाना, चैतन्य के चमत्कार का मतलब है कोरोना जैसे महारोग के अंदर भी यदि हम सभी शांति से बैठ करके अपना स्वाध्याय कर सकने में समर्थ हैं तो ये एकमात्र चैतन्य का ही चमत्कार है, ये कोई चैतन्य का काला जादू नहीं है, ये कोई जैन दर्शन का काला जादू नहीं है, जैन दर्शन की कोई मोहनी विद्या नहीं है, बल्कि जैन दर्शन का एक ऐसा चमत्कार है जो हमारे मोहनीय कर्म को, दर्शन मोहनीय को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उसका जड़ मूल से खात्मा कर देता है, ऐसा ये जैन दर्शन का चमत्कार है। तो सोचिए जब चैतन्य के चमत्कार से हमें भेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, चैतन्य के चमत्कार से जब हम सिद्ध बन सकते हैं, तो फिर पुद्गल के अंदर चमत्कार हो जाए इससे क्या आश्चर्य है। कल्पना करके देखिए, पुद्गल के माध्यम से कुछ चमत्कार का हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत महान बात नहीं है। अरे चैतन्य के चमत्कार से जब हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो फिर पुद्गल के चमत्कार से, क्षयोपशम ज्ञान के चमत्कार से, क्षयोपशम के निमित्त से कुछ सामान्य चमत्कार हो जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आश्चर्य नहीं है। देखिए आगे नीचे वहां पर लिखा हुआ है, जब पुण्य का उदय आता है तब शक्ति में तीव्रता का हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बस इसी प्रकार रिद्धि में भी शक्ति की विशेषता रहती है और उसे हम चमत्कार नाम दे देते हैं। अभी तक तो हमें ऐसा लगता था, आप लोग बहुत जगह घूमने जाते होंगे और वहां पर आप सभी देखते होंगे कोई एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का आपके पास में आता है, एक हाथ में सिक्का पकड़ता है, बोलता है बाबूजी देखिए मेरे हाथ में सिक्का है, आप बोलते हैं हाँ सिक्का है, वो जैसे ही अपना हाथ खोलता है तो उसके हाथ में से सिक्का गायब हो जाता है,
और हम सभी पागल हो जाते हैं कि वो सिक्का कहाँ चला गया। वो लड़का एक कटोरी के नीचे सिक्का छुपाता है और थोड़ी देर में एक डंडा उस कटोरी के ऊपर ठोकता है और ना जाने वो सिक्का वहां से कैसे गायब हो जाता है। हम सभी पागल से देखते रहते हैं कि पता नहीं सिक्का उसने कैसे गायब कर दिया। सोचिए जब एक 10-12 साल का लड़का बिना किसी भेद विज्ञान के ऐसी छोटे छोटे चमत्कार, छोटे छोटे जादू आपको दिखा सकता है और जिसे देख करके अपन आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो फिर जैन दर्शन के अंदर भेद विज्ञान के बल पे, स्वानुभव के बल पे उत्पन्न होने वाला चमत्कार कितना महान और कितना कमाल का चमत्कार होगा उसकी हमें कल्पना भी नहीं है, उसके बारे में अपन ने कभी सोचा भी नहीं। देखिए जैन दर्शन की बहुत कमाल की विशेषता है, पूरे विश्व के अंदर तो लोग भगवान से सब कुछ मांगते हैं। वे भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरा ऐसा कर देवे, भगवान मुझे ये कर देवे। आज हनुमान जयंती थी, पूरे का पूरा अन्य समाज आज ये कह रहा था कि हनुमान जी हमारे कोरोना रोग को दूर कर देवे, पूरे के पूरे भारत और पूरे के पूरे विश्व की रक्षा करें। लेकिन जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो भगवान से कोई काम नहीं करवाता। हमने भगवान को किसी ड्यूटी पर लगा करके नहीं रखा है, हमने भगवान के ऊपर कोई जिम्मेदारी थोप करके नहीं रखी है। भगवान को हम भगवान के समान ही मानते हैं, उन्हें हम पूज्य मानते हैं, अपना नौकर नहीं मानते। फिर से बोलता हूँ, जो भगवान से काम कराते हैं वे भगवान को अपना नौकर समझते हैं, और जो भगवान को भगवान मानते हैं वे भगवान की पूजा करते हैं। उसी प्रकार ये रिद्धियां भी रिद्धियों को पूजने से नहीं आती, रिद्धियों के पीछे भागने से नहीं आती। ये रिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है, और उसके कारण जब कषाय की मंदता होती है तब जाकर के इन रिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। इनके लिए कोई अलग से पुरुषार्थ करना पड़ता हो ऐसा नहीं होता है। लोक में जादू सीखने के लिए लोग अन्य अन्य देशों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाकर के लोग जादू सीखते हैं और फिर आकर के दूसरों को सिखाते हैं या फिर पागल बनाते हैं। लेकिन जैन दर्शन के अंदर यदि आपको बाहर का जादू दिखाना है, बाहर का जादू प्राप्त करना है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर आने की जरूरत है। अंदर आने की जरूरत का मतलब आपको भेद विज्ञान करने की जरूरत है, आपको भगवान आत्मा को जानने की जरूरत है, तब जाकर के हमें इस जादू की प्राप्ति हो पाएगी। ऐसे अपन रिद्धियों की एक चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जैन दर्शन के अंदर चमत्कार कैसे हो सकता है। देखो एक बहुत कमाल का मैं आपको जैन दर्शन का चमत्कार बताता हूँ। अभी आप सभी लोग रामायण देख रहे होंगे, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हम सभी रामायण देख रहे हैं। आज रात्रि में या फिर कल सुबह तक हनुमान जी जब समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंचेंगे, तो श्रीलंका पहुंचने के बीच में ही और श्रीलंका पहुंचते हुए वे एक जगह तो अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेंगे और एक जगह अपने शरीर को बहुत छोटा करेंगे। जब उन्हें लंका के द्वार के अंदर प्रवेश करना होगा तो लंका के पहरेदार, रावण के पहरेदार वहां खड़े होंगे, तो हनुमान जी अपने शरीर को बहुत छोटा बना लेंगे। और उसके बाद में जब उन्हें समुद्र की वो राक्षसनी उन्हें परेशान कर रही होगी, तो वे अपने शरीर को इतना बड़ा बना लेंगे कि वो राक्षसनी डर जाएगी और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देगी। ये क्या है, ये कौन सा जादू है कि ये सारी की सारी चीजें संभव है? हमें लगता है पता नहीं लोग हमें पागल बना रहे हैं, ये किताबों के अंदर ऐसा लिखा हुआ, ये सारी की सारी चीजें कभी होती नहीं है, कभी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जैन दर्शन के अंदर इस संबंध में लेके चर्चा, देखिए एक अणिमा नाम की रिद्धि की चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। अणिमा नाम की रिद्धि का मतलब क्या होता है, शरीर को अणुप्रमाण बना लेना। अणुप्रमाण मतलब समझते हैं कितना छोटा। पुद्गल नाम का एक द्रव्य है, पुद्गल नाम का एक द्रव्य है। यदि आपने कभी इस पुद्गल नाम के द्रव्य के बारे में सुना हो, छह द्रव्य की चर्चा जैन दर्शन के अंदर की गई है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो पुद्गल की सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है, उसको अपन अणु कहते हैं, उसे अपन अणु कहते हैं। तो ये अणु मतलब जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा जो डॉट है, इसको यदि अपन अणु मान करके चले तो इतना सा अपना शरीर बना लेना। कल्पना करके देखो हमारा शरीर अभी कितना है, कोई 5.5 फुट के होंगे, कुछ लोग 6 फुट के होंगे, हाईएस्ट अपन 7 फुट को लेकर के चलते हैं। और इतने लंबे 7 फुट के शरीर को यदि कोई इतना छोटा सा बना लेवे, तो क्या ये कोई चमत्कार नहीं है? क्या ये कोई आश्चर्य नहीं है? क्या ये कोई जादू नहीं है? देखिए, और ये सब कैसे संभव होता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ अणिमा रिद्धि के माध्यम से संभव होता है। वापस से बोलता हूँ, ये सब कुछ अणिमा रिद्धि के माध्यम से संभव होता है। तो इस प्रकार की ये ताकत जो होती है वो हमारे मुनिराजों के अंदर होती है,
जो अणिमा रिद्धि के माध्यम से यदि चाहें तो अपने शरीर को अणु जितना छोटा बना सकते हैं। आप सभी ने अंजन चोर की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? जैन दर्शन के चमत्कार को अभी सिद्ध करने की अकेले बात कर रहा हूँ। जिन्हें लग रहा होगा कि जैन दर्शन में कोई जादू नहीं होता, उनके लिए ये बात सिद्ध कर रहा हूँ कि जैन दर्शन के अंदर भी जादू होता है। आपने अंजन चोर की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? अंजन चोर को एक सेठ ने एक मंत्र दे दिया, बोल दिया इस मंत्र को जाकर के पढ़ना और रस्सी को काट देना तो तुम्हें ऊपर जाकर के कुछ अप्रतिम जिनालयों के दर्शन होंगे, तुम्हें एक ऐसी विद्या की प्राप्ति हो जाएगी जिससे तुम कुछ मंदिरों के दर्शन, भगवान के दर्शन कर पाओगे। आप कल्पना करके देखें, अंजन चोर ने जब उस मंत्र को पढ़ा और रस्सी को काट दिया तो वो नीचे उन तलवारों के ऊपर, उन कांटों के ऊपर, उन कीलों के ऊपर गिरने की जगह जिनेंद्र देव के, भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच गया। तो ये जैन दर्शन का चमत्कार है कि नहीं है? एक और उदाहरण आपको देता हूँ, विष्णु कुमार मुनिराज का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे रक्षाबंधन पर्व अपन मनाते हैं कि नहीं मनाते? रक्षाबंधन पर्व की कहानी आप सबने सुनी होगी। एक अखंपन नाम के मुनिराज थे, उनके साथ में 700 मुनिराजों का संघ था और पूरे के पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग हो गया। जब उपसर्ग हुआ तो अखंपन आदि मुनिराज तो सभी लोग अपनी साधना के अंदर, समाधि के अंदर बैठ गए, बोले चारों ओर घास उगी हुई है, हम तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। गांव के लोगों को पता चला, वे दूसरे मुनिराज के पास में गए, उन्होंने निवेदन किया कि मुनिराज ऐसा ऐसा संकट आया है। तो उन मुनिराज ने उन गांव वालों को बताया कि एक विष्णु कुमार नाम के मुनिराज हैं और उन्हें एक रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, उन्हें एक महिमा नाम की रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, यदि वे चाहें तो अपने शरीर को जितना बड़ा जितना लंबा कर सकते हैं, उनसे जाकर के निवेदन करो, वे इस संबंध में आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। जैसे लोग विष्णु कुमार नाम के मुनिराज के पास पहुंचे, विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा, अरे मुझे तो खुद को ही नहीं पता कि मुझे किसी रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। बोलो विष्णु कुमार मुनिराज क्या कहते हैं कि मुझे खुद ही को नहीं पता है कि मुझे रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। आप कल्पना करके देख सकते हैं, यदि हमारे पास में कोई छोटा मोटा सा एक ट्रिक आ जाए, हम सब जब भी छोटे थे, बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो अपन एक गेम खेला करते थे, अपन अपनी उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसा लेते थे, खुद ही की उंगलियों को, और कहते थे कि इसमें से सबसे बड़ी उंगली कौन सी, और हम लोगों को जाकर के बताते थे कि आप इसमें से सबसे बड़ी उंगली ढूंढ करके बताएं, और जब वो नहीं ढूंढ पाता था अपन बहुत प्रसन्न होते थे कि आपने देखा मेरा चमत्कार, आपने देखा मेरा जादू, आपने देखा मेरा मैजिक। पर यहाँ पर मुनिराज को इतनी कमाल की रिद्धि प्राप्त हो गई है कि जितना बड़ा शरीर चाहे उतना बड़ा शरीर बना लें, पर विष्णु कुमार मुनिराज बोलते हैं कि मुझे तो खुद को ही नहीं पता कि मुझे किसी रिद्धि की प्राप्ति हुई है। जब उनने अपना हाथ ऐसा आगे बढ़ा करके देखा तो हाथ आगे बढ़ते ही चला गया, और फिर जाकर के उन्होंने उन 700 मुनिराजों का संकट दूर किया कि नहीं किया। तो ये कोई जैन दर्शन के जादू की चर्चा, कोई मेरे घर की चर्चा नहीं है, कोई मेरे मन की चर्चा नहीं है, ये पूरी की पूरी चर्चा जैन दर्शन को लेकर के चर्चा है, और जैन दर्शन के आधार से ये सारी की सारी चर्चा की गई है। ये कोई निराधार चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही है। देखिए आगे अपन इसी के संबंध में और बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है, किस तरह से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी। जी हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि जैन दर्शन के अंदर चमत्कार है, इसलिए जैन दर्शन बहुत महान है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैन दर्शन के अंदर चमत्कार की चर्चा की गई है, इसलिए जैन दर्शन को महान बताया गया है। लेकिन जैन दर्शन चमत्कार होने से महान नहीं है, जैन दर्शन में चमत्कार होता है, इसलिए जैन दर्शन महान नहीं है। जैन दर्शन तो इसलिए महान है कि जैन दर्शन चमत्कार को भी तुच्छ देखता है, जैन दर्शन चमत्कार को भी हीन देखता है। जैन दर्शन जादू के सामने यदि आप सर्वज्ञ परमात्मा को रखेंगे, तो यदि कोई सच्चा जैनी होगा तो वो जादू की कीमत नहीं करेगा, वो सर्वज्ञ परमात्मा की कीमत करेगा। बोलिए, आप सभी को बहुत सुप्रसिद्ध उदाहरण देता हूँ। हमने समवशरण की चर्चा बहुत अधिक सुनी है, बहुत अधिक करी है। समवशरण के बारे में हम सभी बहुत कुछ जानते हैं कि समवशरण के अंदर किस प्रकार का वर्णन होता है। समवशरण में जीव का टारगेट क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका एम क्या होता है, वो कहाँ तक पहुंचना चाहता है। समवशरण में जीव भगवान तक पहुंचना चाहता है, उनकी दिव्य ध्वनि को सुनना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समवशरण के बाहर लगी हुई दुकानों के अंदर, चलने वाले नाटकों के अंदर, होने वाले कुछ मंचनों के अंदर फंस जाते हैं और भगवान तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो जैन दर्शन का सच्चा श्रद्धानी होता है, जिसे जैन दर्शन की वास्तविक कीमत होती है, वह छोटे मोटे चमत्कार को देख करके कभी पागल नहीं होता, चमत्कार को देख करके कभी भ्रमित नहीं होता। उसे पता है
कि ये सारे के सारे चमत्कार तो पुद्गल के किए हुए चमत्कार हैं, चैतन्य के चमत्कार से हम साक्षात तीर्थंकर बन सकते हैं, हम साक्षात भगवान बन सकते। देखिए चार पंक्तियां आपके सामने लिखी हुई हैं, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब रविंद्र जी आत्मन के द्वारा ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रह कर करें साधना नित, कभी ग्लानी भय या अनुत्साह ना हो। अगली पंक्ति बहुत काम की है, बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड हो गए, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। इस प्रकार की ये पंक्तियां यहाँ पर हैं। देखिए बहुत कमाल की पंक्ति इसमें आई है, तीसरी पंक्ति, बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड हो गए। हमें किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत, यदि कोई व्यक्ति जादू करता हुआ दिखाई दे जाता है तो हमें उसकी इतनी अधिक महिमा आती है जैसे ना जाने वो तीन लोक का ज्ञानी हो गया, ना जाने उसे सब कुछ पता हो, उससे बड़ा व्यक्ति इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। बोलो ये हमारे साथ में है कि नहीं? किसी व्यक्ति को छोटा मोटा यदि जादू भी आता होगा तो हमें उसकी बहुत अधिक महिमा आने लगती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जग की बातों के अंदर कभी ना आवे, यह जग हमें प्रति समय छलता है, यदि आपको कहीं छोटा मोटा चमत्कार दिखाई दे जाए तो उसको देख करके मूड ना हो। इसका मतलब सिर्फ छोटे मोटे चमत्कार की बात नहीं है, यहाँ पर तो ये कह रहे हैं यदि रिद्धिधारी मुनिराजों की रिद्धि रूपी चमत्कार भी आपको दिखाई दे जाए तो उन रिद्धि के चमत्कार से मुनिराजों को कभी महान नहीं मान लेना, क्योंकि मुनिराज हैं इसलिए रिद्धियां होती हैं, ना कि रिद्धियां होती हैं इसलिए मुनिराज होते हैं। वापस से पंक्ति बोलता हूँ, मुनिराज में विशुद्धि है इसलिए उनकी रिद्धियां होती हैं, ना कि रिद्धियां विशुद्ध होती हैं इसलिए मुनि बनते हैं। ये बहुत बहुत मैं बड़ी बात आप सभी के सामने रख रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हम रिद्धियों को महान मान रहे हैं, लेकिन रिद्धियों की महिमा नहीं है, यहाँ पर रिद्धिधारियों की महिमा है। वापस से देखिए, यहाँ पर रिद्धियों की महिमा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर रिद्धिधारियों की महिमा की गई है। जिस तरह से किसी के पास में कोई चीज होवे, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर कोई बहुत अच्छा गुण है, तो आप उस गुण के कारण से मुझे कहते हैं कि हाँ मेरे अंदर इतनी अच्छी एक विशेष उपलब्धि है, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना सब कुछ जानता हूँ और ये सब कुछ तो कर सकते हैं। उसी तरह रिद्धिधारी मुनिराजों के बारे में यदि अपन बात करें तो कोई रिद्धि के होने से मुनिराज महान हो जाएंगे ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या विष्णु कुमार मुनिराज महान थे और कुंदकुन आचार्य महान नहीं थे, या फिर कुंदकुन आचार्य के पास में रिद्धि थी तो कुंदकुन आचार्य महान थे और समंतभद्र आचार्य के पास में रिद्धि नहीं थी तो समंतभद्र आचार्य छोटे हो गए, कोई ऐसी बात है क्या? कुंदकुन आचार्य के पास में रिद्धि थी लेकिन उनके गुरु भद्रबाहु के पास में रिद्धि नहीं थी तो क्या भद्रबाहु आचार्य कोई छोटे मुनिराज हो गए? आप कल्पना करके देखिए, रिद्धि से कभी भी मुनिराज महान नहीं होते हैं। जिनके पास में रिद्धि हो और जिनके पास में रिद्धि नहीं हो, वे दोनों मुनिराज समान रूप से पूज्य होते हैं। देखिए रिद्धि का एक, मैं आपको बहुत कमाल का एक फैक्ट बताता हूँ, रिद्धि अवधि ज्ञान का विषय होती है, रिद्धि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय नहीं होती। यदि किसी मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी मुनिराज को रिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो उन मुनिराज को पूरे जीवन भर पता नहीं चलता कि उन्हें किसी रिद्धि की प्राप्ति हुई है। वापस से ध्यान दें, यदि किसी मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी मुनिराज को रिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो उन्हें अपने जीवन पर्यंत तक ये बात पता नहीं चलती कि उन्हें रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। दूसरी बात, यदि अवधि ज्ञानी मुनिराज को भी रिद्धि की प्राप्ति हो जाए लेकिन यदि उनका उपयोग उस ओर नहीं जावे तो उन्हें भी पूरे जीवन भर इस बात की खबर नहीं लगे कि उन्हें कोई रिद्धि की प्राप्ति हो गई। बोलो आप, रिद्धि की प्राप्ति हो जाने से मुनिराज कुछ बहुत बड़े हो जाते होंगे, ऐसी चर्चा नहीं है। अरे भाई, रिद्धि की प्राप्ति किसके दम पे हुई? वेद विज्ञान के दम पे हुई कि नहीं हुई? विशुद्धि के दम पे हुई कि नहीं हुई? प्रति समय आत्मा के अंदर जाने के दम पे हुई कि नहीं हुई? अरे जब ये सारा का सारा कार्य आत्मा के अंदर जाने से हो गया है तो क्या रिद्धि की प्राप्ति होने के बाद में वे छोटे बच्चे की तरह रिद्धियों के साथ में खेलने लगेंगे? जैसे छोटे बच्चे को अपन कोई नया खिलौना दे देवे तो छोटा बच्चा पूरे दिन भर उसी खिलौने के साथ में खेलता है, लेकिन क्या मुनिराज कोई अबोध बालक की तरह है? क्या किसी छोटे बच्चे की तरह है कि उन्हें यदि इन छोटी मोटी रिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी तो अपनी रिद्धियों का चमत्कार पूरे के पूरे विश्व को दिखाते फिरेंगे? कभी नहीं। विष्णु कुमार मुनिराज ने भी अपनी रिद्धि का प्रयोग अन्य मुनिराजों की रक्षा के अर्थ से किया था, खुद को महान बताना हो इस दृष्टि से कभी नहीं किया।
ये बात बिल्कुल स्मृति के अंदर रखें। विष्णु कुमार मुनिराज इसीलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने अन्य मुनिराजों की रक्षा की, वे इसलिए महान नहीं हैं क्योंकि उन्हें रिद्धि की प्राप्ति थी। इसलिए रिद्धि को देख करके हमें कभी भी पागल नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि रिद्धि ही सब कुछ होती है। बराबर, आगे देखिए आगे क्या चर्चा आ रही है। बड़े पंडित साहब की और पंक्तियां हैं। हाँ जी कहिए। ये जैसे हम पूजा के बाद जो ये पढ़ते हैं स्वस्ति क्रियाशु, तो इसमें क्यों हम रिद्धिधारी मुनिराजों की क्यों पूजा कर रहे हैं? हमको तो सबकी स्तुति करनी चाहिए, इसमें फिर रिद्धिधारी मुनिराज की स्तुति की है। बराबर, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। मैं आप सभी को इनके प्रश्न के बारे में बता देता हूँ, ये क्या प्रश्न पूछना चाह रही है। इनका प्रश्न ये है कि जब सारे के सारे मुनिराज एक समान पूजनीय है तो फिर मात्र रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजा क्यों की जाती है? अकेले आपने 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजा क्यों की है, बाकी मुनिराजों की पूजा क्यों नहीं की? उत्तर बड़ा ही सामान्य है, ऐसी शंकाएं धवला ग्रंथ के अंदर उठाई गई हैं। धवला ग्रंथ आचार्य वीरसेन स्वामी के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि षटखंडागम ग्रंथ की टीका है। उसके 9वें भाग के अंदर आचार्य ने ऐसा प्रश्न किया है कि आप अन्य मुनिराजों को नमस्कार क्यों नहीं करते, मात्र रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार क्यों करते हैं? आचार्य ने बहुत ही कमाल का उत्तर दिया। उस उत्तर को यदि मैं अपनी भाषा में कहूं तो जिस तरह हाथी के पैर के अंदर सभी के पैर समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि हमने सामान्य रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार कर दिया है तो इसका अर्थ ये है कि हमने अन्य मुनिराजों को तो नमस्कार कर ही दिया। देखिए, जैसे आपके घर के यदि हमने किसी मुखिया को बोल दिया कि आपको सपरिवार आना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने छोटे बच्चे को नहीं बुलाया। मुखिया को बोलने का मतलब ही ये हो गया है कि अब उसके साथ में बाकी के सभी लोग भी ग्रहण कर लिए गए हैं। उसी तरह यदि हमने केवल ज्ञानी को नमस्कार कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमने सम्यक ज्ञानी को तो नमस्कार कर ही दिया। यदि हमने 4 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले को नमस्कार कर दिया है तो हमने 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले को भी नमस्कार कर ही दिया है। इसलिए हर एक मुनिराज को लेकर के चर्चा न करते हुए कुछ मुख्य रिद्धियों के आधार से मुनिराजों की चर्चा यहाँ पर की गई है। और दूसरा उत्तर इसका ये हो सकता है कि प्रकरण 64 रिद्धि का चल रहा है और 64 रिद्धि का प्रकरण होने से यहाँ पर मात्र रिद्धिधारी मुनिराजों को ही नमस्कार किया जा रहा है, अन्य मुनिराजों का यहाँ पर प्रकरण नहीं है, इसलिए उन्हें नमस्कार भी नहीं किया जा रहा। बराबर, देखिए यहाँ पर 4 पंक्तियां लिखी हुई है। प्रकट, हाँ जी कहिए। हेलो हिमांशु जी। हाँ हाँ कही है हिमांशु जी। मेरा ये प्रश्न था कि एक मुनिराज में कितनी रिद्धियां हो सकती है? जी हाँ, इनका ये प्रश्न है कि किसी मुनिराज को अधिक से अधिक कितनी रिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी अपन रिद्धियों की तरफ आई नहीं है। अभी तो अपन रिद्धियों का बेस पक्का कर रहे हैं, किस मुनिराज को अधिक से अधिक और कम से कम कितनी रिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, इसकी चर्चा अपनी थोड़ी देर में आने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार करें और अपनी क्लास के विषय को आगे आगे देखते जाएं। आपकी समस्त शंकाओं का समाधान इस क्लास के अंदर इस रिद्धि के विषय को लेकर के पूरा हो जाएगा। देखिए, मैं जिन 4 पंक्तियों की बात कर रहा हूं उनकी ओर ध्यान दें। हैं बुद्धि रिद्धियां प्रकट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका, तप घोर करें आकाश चलें, है पार नहीं जिन केबल का, पर नहीं प्रयोग करें इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु, उन समजड़ वैभव ठुकराऊं, तब होवे वे मुक्ति से। तो देखिए कैसे मुनिराज की चर्चा है, कह रहे हैं कि जिन्हें बुद्धि रिद्धियों की प्राप्ति हो गई है लेकिन जिनका लक्ष्य उन रिद्धियों के ऊपर नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति को करोड़ों रुपए प्राप्त हो जाए और उसके बाद भी यदि उसे करोड़ रुपए की महिमा नहीं आए तो कहा जाएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर अपने करोड़ों रुपए की महिमा ही गाते रहे कि हाँ मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं, मैं तो इतना अमीर हूँ, तो वो अमीर होते हुए भी गरीबी है, वो समृद्ध होते हुए भी दरिद्री ही है। और जिस समृद्ध व्यक्ति के पास में बहुत अधिक धन हो और अपने धन का उपयोग सदुपयोग करे तो वो व्यक्ति वास्तव में अमीर व्यक्ति कहलाता है। उसी प्रकार जिन मुनिराजों को बुद्धि रिद्धियों की प्राप्ति हो गई लेकिन उनका लक्ष्य ही उन रिद्धियों के ऊपर नहीं है, तप घोर करें आकाश चलें, है पार नहीं जिनके बल का। बोलो ऐसे ऐसे रिद्धियों की चर्चा आएगी। घोर तप कर सकते हैं, आकाश में चल सकते हैं,
महाबली हैं, मतलब जिनके सामने अन्य कोई व्यक्ति यदि उनके साथ में लड़ाई करने को आए तो उनसे कभी जीत नहीं पाए, ऐसी ऐसी रीतियां हैं, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। अगली पंक्ति क्या है, पर नहीं प्रयोग करें इनका। देखो मुनिराज की रिद्धियों की चर्चा देखो आप, हमें थोड़ा सा यदि जादू आ जावे तो हम तुरंत उसका प्रयोग करते हैं, हम तुरंत उसे दिखाना चाहते हैं, हम सभी को बताना चाहते हैं कि मेरे पास में ये मैजिक है, मेरे पास में ये पावर है। लेकिन जिन मुनिराजों को इतनी रिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है उनके संबंध में लिखा है, पर नहीं प्रयोग करें इनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। वे मुनिराज इन रिद्धियों का प्रयोग कभी भी खुद की ख्याति होवे, लोग उनको महान समझें, उनकी पूजा करें, इस दृष्टि से वे कभी नहीं करते, उन सम जड़ वैभव ठुकराऊं तब होवे वे मुक्ति से। ऐसे मुनिराज की चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए कितने एक 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 कमाल का दृश्य आप सभी के समक्ष हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि ये कोरोना जैसे महामारी के संकट में आप किसी वन जंगल के अंदर बैठे हुए हैं, उस वन जंगल के अंदर हजारों मुनिराज का एक संघ है, और उन मुनिराजों के संघ के अंदर 10-15-20 मुनिराज ऐसे हैं जिन्हें बहुत रिद्धियों की प्राप्ति हो गई है, जिन्हें अनेकों रिद्धियों की प्राप्ति हो गई है, ऐसे अनेकों मुनिराज उस संघ के अंदर हैं। आप एक बार इन सभी दृश्यों की एक बार कल्पना करके देखें कि वो दृश्य कितना कमाल का दृश्य होगा, कितना महान दृश्य होगा। लेकिन उसके बाद एक और दृश्य देखिए, उस दृश्य के अंदर क्या होता है, जिन मुनिराज को रिद्धि की प्राप्ति हुई है वे मुनिराज मात्र 2 साल पहले सभा के अंदर दीक्षित हुए थे, संघ के अंदर दीक्षित हुए थे, और एक मुनिराज ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से संघ के अंदर हैं। और थोड़ी देर में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जिन मुनिराज को रिद्धि की प्राप्ति हो गई है वे एक बिना रिद्धिधारी मुनिराज को जाकर के नमस्कार करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। सोचिए आप कल्पना करके देखिए ऐसे दृश्य की, मुनिराज के संघ में जब रिद्धियों की कोई कीमत नहीं है तो फिर पूरे विश्व को भी रिद्धियों के माध्यम से मुनिराज को महान मानने की क्या आवश्यकता है। हम क्यों मुनिराज को इसलिए महान माने क्योंकि उनके पास में रिद्धियां होती हैं, हम मुनिराज को इसलिए महान क्यों नहीं माने क्योंकि वे महान हैं इसलिए उन्हें रिद्धि की प्राप्ति हुई, ना कि रिद्धियों की प्राप्ति होने से वे महान हो गए, ऐसी चर्चा इस जैन दर्शन की रिद्धियों के अंदर की गई है। देखिए अब आपके प्रश्न का मैं एक आपको उत्तर देता हूँ, ये रिद्धियां कितनी होती हैं, हम जिन रिद्धियों को लेकर के बात कर रहे हैं वो रिद्धियां आखिरकार हैं कितनी, उनकी संख्या कितनी है। देखिए उत्तर लिखा हुआ है, रिद्धियां मूल में तो अनेकों हो सकती हैं किंतु आगम के अनुसार वर्णित रिद्धियों की संख्या 8 बताई गई है। वापस से उत्तर पढ़ रहा हूँ, रिद्धियां मूल में अनेकों हो सकती हैं। यदि आपने बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 पढ़े हों तो वहां पर एक द्रव्य का पाठ आता है और उसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि द्रव्य कितने होते हैं, तो बोलते हैं द्रव्य तो अनेकों होते हैं लेकिन मुख्य रूप से हम द्रव्य को 6 भागों के अंदर बांट देते हैं। उसी तरह रिद्धियां शक्तियां चमत्कार ये अनेकों होते हैं किंतु आगम के अनुसार हम जिन रिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं वे 8 प्रकार की रिद्धियां हैं और उन 8 रिद्धियों की चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। आप पूछ सकते हैं भाई और रिद्धियां होती हैं तो वो रिद्धियां कौन सी हैं, मैं आपको उत्तर अभी दिए देता हूँ। तिलोयपणत्ति नाम का एक ग्रंथ है जिसे यति वृषभाचार्य ने लिखा है। यति वृषभ नाम के एक आचार्य हैं, जैन करणानियों का एक बहुत ही महान और बहुत ही कमाल का ग्रंथ है तिलोयपणत्ति। उसमें आचार्य देव ने सुस्वर आदि रिद्धियों की चर्चा की है। सुस्वर मतलब अच्छे कंठ का होना, अच्छे सुर का होना, इस प्रकार की विशेष शक्ति की चर्चा वहां पर की गई है। हाँ जी वर्षा जी कोई प्रश्न पूछ रही है, पूछिए आपका प्रश्न क्या है। तो भैया हाँ जी पूछिए। हाँ जी कहिए। अच्छा यदि वो रिद्धियों को उपयोग कर लें तो मुनिराज जी। जी आपका इनका प्रश्न है कि यदि कोई मुनिराज इन रिद्धियों का प्रयोग कर ले तो फिर क्या होगा, यदि कोई मुनिराज गलती से या फिर जानबूझ करके इन रिद्धियों का प्रयोग करेंगे तो फिर वे रिद्धियों से च्युत हो जाएंगे, मतलब उनकी रिद्धियां छूट जाती हैं, उन्हें वो रिद्धियां नहीं बचती। उसका कारण ये है कि देखिए अभी आने वाली रिद्धियों में अपन 2 प्रकार की रिद्धियों की चर्चा पढ़ेंगे, जिसमें एक 10 पूर्वी नाम की रिद्धि आएगी और एक 14 पूर्वी नाम की रिद्धि आएगी। 10 पूर्वी के अंदर 2 तरह के 10 पूर्वी होते हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी होते हैं और एक अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं। तो जो मुनिराज अपनी रिद्धियों का प्रयोग कर लेते हैं वे भिन्न 10 पूर्वी मुनिराज कहलाते हैं
और वे मुनिराज पूजने योग्य नहीं होते। एक बार रिद्धि का प्रयोग करने के बाद में उन्हें पुनः वो शक्ति की प्राप्ति उस अवस्था में नहीं होती, वे सम्यक दर्शन से च्युत हो जाते हैं। इसलिए मुनिराज अपनी रिद्धि का प्रयोग बहुत अधिक, कोई संकट आ जावे, कोई आपत्ति आ जावे, कोई विपदा आ जावे और अन्य कोई उपाय जब शेष ना बचे तो तुच्छ जान करके उन रिद्धि का प्रयोग करते हैं। कोई गौरव से रिद्धि का प्रयोग नहीं करते, अभिमान से रिद्धि का प्रयोग नहीं करते, मजबूरी में आकर के उन रिद्धियों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में वे मुनिराज सम्यक दर्शन से च्युत हो जाते हैं। ऐसे भिन्न दश पूर्वी मुनिराजों की चर्चा अपन को दश पूर्वित्व नाम की रिद्धियों के अंदर पढ़ने को मिलेगी। देखिए भैया आगे देखिए। हाँ जी कहिए। मेरी बेटी एक क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ बोलिए। लड़कियों को हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुभूति जी की बेटी का एक बहुत कमाल का प्रश्न है कि आरिकाओं को रिद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं होती। बहुत बहुत कमाल का प्रश्न है। इसे अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या जैन दर्शन में महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, क्या महिलाओं को कोई अच्छा स्थान नहीं दिया गया है, आरिकाओं को रिद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं होती, मुनिराज को रिद्धि की प्राप्ति क्यों होती है, ऐसा ऐसा ये भेदभाव क्यों किया गया जैन दर्शन के अंदर। देखिए बहुत कमाल का उत्तर मैं आपको देता हूँ। हम भेदभाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर योग्यता की चर्चा कर रहे हैं कि कौन किस चीज के योग्य है। योग्य दृष्टि से देखें तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव मात्र पुरुष लिंग के अंदर ही संभव होता है, स्त्री लिंग के अंदर संभव नहीं होता। इसलिए आरिकाओं को रिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रिद्धि की प्राप्ति तो मात्र मुनिराजों को ही हो सकती है और वो भी सभी मुनिराजों को नहीं होती है, कदाचित और कुछ मुनिराजों को होती है। रिद्धि प्राप्त हो जाने से मुनिराज महान नहीं हो जाते हैं, वे सामान्य मुनिराज ही रहते हैं। इसलिए आरिका को रिद्धि नहीं होती, इसलिए जैन दर्शन में तो ये विमेंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर योग्यता को लेकर के चर्चा है। अरे अगर जैन दर्शन में स्त्रियां मोक्ष नहीं जा सकती तो ये बात भी तो जैन दर्शन में कही गई है कि स्त्रियां सातवें नरक तक भी नहीं जा सकती। ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? जैन दर्शन में यदि स्त्रियों के सहनन में ऐसी योग्यता नहीं है कि वे मोक्ष चली जाए, तो भाई ऐसी योग्यता भी तो नहीं है कि वे सातवें नरक तक चली जाए। इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम योग्यता को लेकर के, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एम्बॉडीमेंट ये योग्यता को लेकर के खड़ा किया गया है। ये किसी प्रकार के भेदभाव को लेकर के खड़ा किया गया हो ऐसी किसी भी प्रकार की चर्चा यहाँ पर नहीं है। देखिए हेलो हाँ किसी और हाँ कहिए। हाँ अच्छा एक प्रश्न था कि इससे रिद्धि से और नाम कर्म की जो प्रकृति होती है जी, उससे मतलब कोई कनेक्शन है इसका कि नहीं है? आपका इनका ये प्रश्न ये है कि नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां होती हैं, उसके अंदर भी शरीर को लेकर के बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है और ये रिद्धियों में भी शरीर को लेकर के बहुत सारा वर्णन किया गया है, तो इनका कोई कनेक्शन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं घबराएं, अकेले नाम कर्म का कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, तो ज्ञानावरणी तक का कनेक्शन जोड़ा जाएगा। अभी अपन जिन रिद्धियों की चर्चा करेंगे, बुद्धि रिद्धि के अंदर अपन प्रारंभिक चार रिद्धियों की चर्चा करेंगे, तो उन रिद्धियों के अंदर अवग्रह ज्ञानावरण नाम के कर्म का उदय होगा, धारणा नाम के ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा, ईहा आवाय नाम के ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा। पर अकेले एक कर्म का नहीं, इसके साथ में वीर्यांतराय का छह उपशम भी लगेगा। ये किसी एक कर्म के उदय से पूरी प्राप्त हो जाती है ऐसा नहीं है, ये सभी अनेक कर्मों के माध्यम से, वीर्यांतराय के माध्यम से उसका अनुभाग निश्चित होता है, उसकी शक्ति निश्चित होती है। अन्य कर्म जिस प्रकार की मान लो बुद्धि रिद्धि है तो वहां पर ज्ञानावरण नाम का कर्म लगेगा, ऐसे जिस प्रकार की रिद्धि की चर्चा है उस प्रकार के कर्म का निमित्त उसके अंदर बनता चला जाता है। अपन एक एक रिद्धि की चर्चा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सारी की सारी चर्चा जानने को मिलेगी। देखिए हाँ किसी और को कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। सर मैं पूछना चाह रहा था राजीव जैन। हाँ जी कहिए। ये सर आप जो कह रहे हैं कि ये रिद्धि जब प्रयोग करते हैं तो चली जाती है जी, तो सर ये प्रयोग मतलब कर नहीं सकते इनका प्रयोग तो चली जाती का मतलब? प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखिए बड़े पद पर रह करके कोई छोटा काम करे तो वह निंदनीय कहलाता है, पूजनीय नहीं कहलाता।
मुनिराज का पद तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट होने वाला पद है, मतलब उन्हें वहां पर पहुंचने के बाद में संसार के अंदर कोई भी वस्तु अच्छी प्रतीत होती नहीं है, तो वे किस वस्तु के लिए रिद्धि का प्रयोग करें? अपन कल्पना करके तो देखें, देखो भिन्न दश पूर्वित्व नाम की रिद्धि का प्रयोग करें, दश पूर्वित्व रिद्धि का प्रयोग करें तो तुरंत भिन्न दश पूर्वी हो जाए, आप कल्पना करके देखो तुरंत सम्यक दर्शन से च्युत हो जाए, क्यों कि अरे मुनिराज की भूमिका में उन्हें रिद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या पड़ गई, और कदाचित कोई आवश्यकता पड़ भी गई हो, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को पड़ गई थी तो उन्हें अपना दिगंबर वेश छेदना पड़ा था, बावनिया का वेश धारण करना पड़ा था, इसलिए रिद्धियों की ऐसी कमाल की चर्चा है। मैं वापस से बोलता हूँ, रिद्धि से मुनिराज महान नहीं होते बल्कि मुनिराज महान होते हैं, इसलिए उन्हें रिद्धियों की प्राप्ति होती है, इस तरह की ये चर्चा यहाँ पर की जा रही है। भैया जैसे विष्णु कुमार जी हाँ हाँ पूछ ली थी आप, मैं पूछती हूँ, मैं ये पूछ रही थी जैसे विष्णु कुमार मुनिराज थे तो वो फिर जब उन्होंने दिगंबर वेश छोड़ दिया तो वो सम्यक दर्शन से भी च्युत हो गए। बिल्कुल, यदि उन्हें अब देखिए सम्यक दर्शन से च्युत हुए और दिगंबर वेश को छोड़ा, इसमें बहुत एक बहुत महीन अंतर खड़ा किया जा सकता है। सम्यक दर्शन से च्युत होने का मतलब क्या है, एक समय के लिए सम्यक दर्शन छूटा और संभव है अगले समय उन्हें पुनः सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, क्यों क्योंकि सम्यक दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि बिल्कुल बनी रहेगी या फिर खत्म हो गई तो खत्म ही हो जाएगी, सम्यक दर्शन एक कर्म की प्रकृति का अभाव होता है, अभाव होता है तो सम्यक श्रद्धा निर्मल हो जाती है और उस कर्म की प्रकृति का सद्भाव रहता है तो श्रद्धा मलिन बनी रहती है, इसलिए हो भी सकता है कि चित्त हो गए हों और हो भी सकता है कि चित्त नहीं हुए हों, ये दोनों ही कंडीशन वहां पर बनी रह सकती है। यदि ख्याति लाभ पूजा इस उद्देश्य से किया गया हो तो सम्यक दर्शन से च्युत हो जाएंगे, किंतु साधर्मी मुनिराजों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया हो तो तीन कषाय चौकड़ी से तो च्युत होंगे किंतु सम्यक दर्शन यथावत बना रहे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बराबर, हाँ पूछिए आपका प्रश्न। मेरा प्रश्न था कि चारण रुद्धि जब भी यूज होती है तो भी सम्यक दर्शन च्युत हो जाता है। देखिए अब इसके अंदर उद्देश्य को लेकर के भी कदाचित चर्चा की जाती है, यदि अपन इसको सर्वथा ऐसा ग्रहण कर लेंगे तो अपन ने जो वर्णन सुना है कि कुंद मुनिराज चारण रिद्धि के माध्यम से विदेह क्षेत्र गए थे तो अपन को उन्हें मिथ्या दृष्टि मानना पड़ेगा, इसलिए इस कथन को अपन सर्वथा ऐसा कथन नहीं मान सकते, और अकेले कुंद आचार्य नहीं, पूज्यपाद आचार्य के संबंध में भी ऐसी चर्चा की जाती है कि उन्हें भी चारण रिद्धि की प्राप्ति थी, तो उस दृष्टि से तो अन्य मुनिराज मिथ्या दृष्टि सिद्ध होंगे, इसलिए मैंने भिन्न दश पूर्वी नाम के और अभिन्न दश पूर्वी नाम के मुनिराजों के संबंध में सम्यक दर्शन को बात करी है कि दश पूर्वी रिद्धि में जो मुनिराज उसका प्रयोग करें। देखो दश पूर्वी रिद्धि वाकई में क्या होती है, मुनिराजों को दश पूर्वों का ज्ञान होता है तो स्वर्ग लोक से रोहिणी आदि 500 देवता आकर के उन्हें नमस्कार करते हैं, और यदि वे नमस्कार करें और वे पूछते हैं कि हे स्वामी आपकी कोई आज्ञा है क्या, और मुनिराज उन्हें कोई आज्ञा दे दे रहे हैं तो वे सम्यक दर्शन से च्युत हो जाते हैं और तभी वे अभिन्न दश पूर्वी ना होकर के भिन्न दश पूर्वी कहलाने लगते हैं। उस संबंध में यहाँ पर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को लेकर के चर्चा है, इस कथन को सर्वथा ग्रहण नहीं करना कि सभी के सभी मुनिराज मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, यहाँ पर उस भिन्न दश पूर्वी और अभिन्न दश पूर्वी को लेकर के कथन किया गया है, अन्य मुनिराजों के संबंध में क्या कथन है, कैसी प्रक्रिया है, कैसी विधि है, उस संबंध में अपनी चर्चा आने वाली कक्षाओं के अंदर 9 दिन के अंदर अपनी चर्चा बहुत विस्तार से पूरे विषय को लेकर के होगी। अभी यदि किसी को आज के विषय से संबंधित शंका हो तो पूछ ले रहे हैं, क्योंकि अपना समय यहाँ पर आज कही है कि परमेष्टि जो साधु परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि आचार्य परमेष्टि इन तीनों को रिद्धियां प्राप्त रहती हैं क्या, साधु अवस्था में प्राप्त होती है? जी नहीं, किसी भी अवस्था में प्राप्त हो सकती हैं, उसके अंदर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि किसी एक ही अवस्था के अंदर प्राप्त होगी, तीनों अवस्था में से किसी भी अवस्था के अंदर रिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी कहिए। श्री आरिका जी आरिका माता जी को जो ये हो नहीं सकते जी कहिए, तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव तो उनको भी हो सकता है? नहीं नहीं सकता जी, नहीं
स्त्रियां पंचम गुण स्थान के आगे नहीं पहुंच सकती है, छठवें गुण स्थान से तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, आरिका अवस्था के अंदर दो कषाय चौकड़ी का अभाव रहता है और पंचम गुण स्थान तक रहते हैं, पंचम गुण स्थान में उत्कृष्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं लेकिन छठवें गुण स्थान तक नहीं पहुंच सकते। मुझे एक प्रश्न पूछना है, आजकल जो मुनिराज रहते उन्हें बोले रिद्धियां प्राप्त है और उसी से सारा पंचम काल में, पंचम काल में रिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती है, पंचम काल के प्रारंभ में काल दोष के कारण से कुछ रिद्धियों की प्राप्ति होती थी लेकिन अब इस काल में रिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। जय जिने। हाँ, किसी और को कोई प्रश्न है पूछिए। हेलो, हाँ जी कहिए सर। ये रिद्धियां नहीं होती तो फिर आजकल ये चमत्कार जो होते हैं क्या ये सिद्धि है या रिद्धि है? आजकल होने वाले चमत्कार, हाँ बहुत अच्छा इनका प्रश्न, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है कि आजकल हमें जो चमत्कार दिखाई देते हैं वो चमत्कार कैसे चमत्कार है ना, ये चमत्कार का मतलब क्या होता है, ऐसा इनका ये प्रश्न है। मुनिराजों को तो नहीं हो सकता, इस काल में सच्चे मुनिराज तो हो सकते हैं, इस बात को बहुत स्पष्ट समझना, इस काल में भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज तो हो सकते हैं लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज नहीं हो सकते हैं। ये चर्चा तिलोय पणत्ती और धवला आदि ग्रंथों के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से आई। हेलो, हाँ जी कहिए। मैं ये कह रहा था अंजन चोर तो योगी नहीं था, उसको कैसे रिद्धि प्राप्त हुई? हाँ, इनका प्रश्न ये है कि अंजन चोर तो मुनिराज थे ही नहीं तो उन्हें रिद्धियों की प्राप्ति कैसे हुई? हाँ, पर अपन ने चमत्कार की चर्चा की थी अंजन चोर के संबंध में, रिद्धि की चर्चा नहीं की थी। अब एक होती है विद्या और एक होती है रिद्धि, फिर से बोलता हूँ, एक होती है विद्या और एक होती है रिद्धि। विद्या क्या है और रिद्धि क्या है ये जिन्हें जानना होवे, जो हमें ऐसा लगता होगा कि भाई मनुष्यों को, देवताओं को, विद्याधरों को, इन्हें भी तो रिद्धि होती है, तो अकेले मुनिराज को ही रिद्धि होती है ऐसा क्यों कहते हैं? तो जिन्हें इनके बीच में अंतर जानना होवे वे अपने कल के सेमिनार के अंदर जुड़े, विद्या और रिद्धि में क्या अंतर है इसका उत्तर कल के सेमिनार में दिया जाएगा। जी हाँ, और कोई आज के संबंध में कोई प्रश्न कहिए। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी। जी कहिए। कि अभी पंचम काल में रिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं और फिर जो लौकिक में सुनने आता है कि कोई मुनि महाराज के आहार हुए कहीं और जहाँ आहार लिए खड़े होके उनके चरण बन गए। आपकी आपकी अंत में आवाज दब गई है। उनका कहना है कि चरण बन गए। अभी ऐसे बहुत जगह सुनने में आया कि कोई मुनिराज के कहीं आहार हुए। हाँ हाँ हाँ। इस टाइम जो मुनिराज हैं तो हाँ। उनके आहार होने के बाद जब वो गए तो वो जिस जगह पर खड़े होके आहार ले रहे थे तो उनके चरण चरण वहाँ पर उछल गए। बराबर, ठीक है। इनका प्रश्न ये है कि जब पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती तो हमने कदाचित कहीं ऐसा सुना है कि कोई मुनिराज कहीं खड़े होकर के आहार ले रहे थे और उनके चरण वहीं पर खप गए, वहीं पर खचित हो गए, तो बोले ये क्या चीज है? तो भाई इसके अंदर अनेक कथन हो सकते हैं, कदाचित ये कथन विरोधाभास का भी हो सकता है, कदाचित ये कथन सत्य भी हो सकता है, किंतु मुनिराज को कोई रिद्धि है वहां पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। देवों के द्वारा सामान्य रूप से ऐसे सामान्य कार्य किए जाएं तो इसके अंदर कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन कोई मुनिराज को रिद्धि की प्राप्ति हो गई ऐसी कोई भी चर्चा पंचम काल के अंदर नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये बस अभी अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट लेकर के चलें कि पंचम काल में किसी भी मुनिराज को कोई रिद्धि की प्राप्ति नहीं होती और किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती।
सामान्य जो चमत्कार दिखाई देते हैं देवों के द्वारा यदि अतिशय कर दिए जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। और चरणों के छप जाने का मतलब क्या होता है, इसमें भी तो अपन को साइकोलॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए, थोड़ा शोध खोज करना चाहिए, तब जाकर के ऐसे कथन किए जा सकते हैं। लेकिन ये कथन विरोधाभासी भी हो सकता है, इसलिए संभव है, कोई उत्तर नहीं है। हाँ जी कहिए। तो कुन-कुन भगवान को चारण रिद्धिदारी नहीं थे? मैंने कहा ना पंचम काल के प्रारंभ में काल दोष के कारण से कुछ मुनिराजों को रिद्धि की प्राप्ति उसी प्रकार हुई जिस प्रकार से पंचम काल के अंत में कुछ जीव मोक्ष भी गए, जैसे जम्बू स्वामी मोक्ष गए, सुधर्माचार्य मोक्ष गए, तो उसी तरह से कुछ मुनिराजों को काल दोष के कारण से रिद्धियों की प्राप्ति भी हुई है। लेकिन जैसे जैसे वो द्वादशांग घटता चला गया, बुद्धि खत्म होती चली गई, ऐसी उस तीव्र विशुद्धि भी समाप्त होती चली गई, इसलिए तपश्चरण के प्रभाव से रिद्धियां भी अब नहीं हो सकती। और कोई प्रश्न? हाँ जी सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा। पीडीएफ आपको 10वें दिन मिलेगी, जो लोग पूरे ग्रुप के अंदर 10 दिन बराबर ज्वाइन रहेंगे उन्हें 64 रिद्धियों के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी की चर्चा मिल जाएगी। नेट चला गया था बीच में। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कल अपन थोड़ी सी प्रारंभिक चर्चा वापस लेंगे। पीडीएफ आज नहीं मिलेगी, आप सभी लोगों का एग्जाम रहेगा आखिरी दिन, और तब जाके आपको ये सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। आज का अपना समय यहाँ पर पूर्ण हुआ है, जो भी लोग आगे आकर के जुड़ना चाहें वे कल हमारे साथ में वापस से जुड़ सकते हैं, इसी संबंध में अपन अपनी चर्चा आगे भी करेंगे। अभी अभी को जय जिनेन्द्र, कल पुनः उपस्थित हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद अनुभव जी। जय जिनेन्द्र।